हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू मिश्रा कुकिंग विथ रेनू में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाऊंगी आलू के चिप्स। इसके लिए सबसे पहले मैंने आलू को छील लिया है। मैंने लगभग 5 किलो आलू लिया है और इसको पहले छील के और पानी में यूँ डालते जाएंगे। पानी में डालते रहने से ये होता है कि आलू काले नहीं पड़ते हैं। ये देखिए आलू हमारा छिल गया, इसको हम पानी में डाल देंगे। अब एक भगोने में लगभग आधे भगोने से ज़्यादा पानी गर्म करने के लिए रखेंगे। उसमें नमक डालेंगे, नमक आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। और लगभग 1 इंच या मटर के दाने जितना बड़ा एक फिटकरी डालेंगे। फिटकरी से ये होता है पानी साफ हो जाता है और हमारे चिप्स काले नहीं पड़ते और सफ़ेद रहते हैं। जब तक पानी बॉयल हो रहा है तब तक हम ये चिप्स को चिप्स कटर से काट लेंगे। चिप्स को हम काटते जाएंगे, पानी में डालते जाएंगे और इससे कम से कम हमें 3 से 4 बार धोना है। ये देखिए यह पानी भी हमारा उबल गया है, पानी एकदम खौलते हुआ होना चाहिए। अब इसमें हम चिप्स को डालकर गर्म होने के लिए रख देंगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है वरना ये टूट जाएगा। हल्का ये कच्चा रहे तभी हम इसे निकाल लेंगे। अगर पानी बहुत ही ज़्यादा खौलता रहे तो समझिए हमें इसे 5 मिनट ढककर पकाना है बस। अब ये देखिए ये हमारा पक चुका है इस तरह से। अब हम इसे निकाल लेंगे ताकि पानी पूरा इसका छन जाए। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा मैंने इसे गलने नहीं दिया है। इसे हम 1 से 2 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। बनाने में तो काफ़ी मेहनत लगता है पर खाने में भी बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए ये इस तरह से रहना चाहिए। अब उसी में आप निकालते जाइए और फिर जितना आलू बचा है उसी को आप दोबारा डाल के गर्म करते जाइए उसी पानी में। अब ये देखिए धूप में मैंने एक एक चिप्स को फैला दिया है। इसे सूखने में लगभग 3 दिन लगे हैं। 3 दिन तक मैंने इसे सुखाया है। ये देखिए एकदम सूख चुका है। अब आप जब मन चाहे चाय के साथ इसे फ्राई करके खा सकते हैं। मेरा ये वीडियो देखिए।